चलिए लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। आपके पास एक लाइन है, एल वन लाइन है, ठीक है। अब इसके पैरेलल जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी, जिसे मैं एल टू बोल देता हूं, बेटा याद रखना एक्स वाई के कोफिशियंट सेम होंगे, लेकिन कांस्टेंट पार्ट, देखो ये जो कांस्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट होगा। फिर से रिपीट, एक्स वाई की चीजें क्या होंगी बेटा, सेम, यानी कि एक्स वाई के कोफिशियंट सेम, बदलेगा क्या बेटा, कांस्टेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट होगा। कांस्टेंट पार्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है बेटा, चलेगा। एग्जांपल लगाते हैं, इसे नोट कर लो, एग्जांपल लगाते हैं फिर इस पे। हो गया बेटा, लिखें एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट है अपने पास माइनस वन कॉमा टू एंड पैरेलल टू द लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो अपने को ऐसे सोचना, देखो ये तो दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बेटा, यस सर, सॉल्यूशन। तो हमें क्या गिवन है, एल वन गिवन है, एल वन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो पैरेलल की जो लाइन होगी, पैरेलल वो क्या होना चाहिए, एल टू होगा, एल टू होगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई। देखो हमने बात की थी ये सेम रहेंगे, देख रहे हो, बस लैम्बडा आ जाएगा। अब मुझे ये जो लैम्बडा अननोन है, ये एडिशनल कंडीशन होती है, क्या होती है बेटा, लैम्बडा जो है ये एडिशनल कंडीशन होती है, उससे निकाला जाता है। एडिशनल कंडीशन इसमें क्या है, पॉइंट। तो आप एल टू को, एल टू को क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, किससे, किससे पास कर रहे हो बेटा, एल टू को पास कर दिया आपने माइनस वन टू से, तो माइनस वन टू यहां जाने वाला है, तो देखो ये आएगा माइनस थ्री माइनस एट प्लस लैम्बडा इक्वल टू जीरो। इलेवन आया मेरे बच्चों, इलेवन आ गया बेटा, यस सर। तो इलेवन आप यहां पर जब पास करोगे, सो एल टू क्या बन जाएगी लाइन बेटा, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। ये अपना बेटा आंसर बना, नोट कर ले बेटा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। अभी पैरेलल की सिचुएशन थी, अब परपेंडिकुलर पे आते हैं, तो पैटर्न पे फॉलो करेंगे हम बस। L1 सपोज मेरे पास इस तरह की है, तो परपेंडिकुलर जो लाइन बनाऊंगा मैं, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उसमें ये आपके कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, देख रहे हो आप, क्या हो जाएंगे बेटा, देखो कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट माइनस वन होता है। क्या होता है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट बेटा? माइनस वन। इसकी स्लोप होगी अपने पास माइनस ए अपॉन बी, तो उसकी आएगी बी अपॉन ए। तो देखो कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। अब आप यहां महसूस करेंगे कि उसी तरीके से लैम्डा आ चुका है, आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहां लैम्डा आया था ऐसे यहां लैम्डा है। और ये लैम्डा कहां से निकलता है? उसी तरीके से जैसे वहां बात की थी सेम बात यहां कहनी है मुझे। एडिशनल कंडीशन क्या बेटा? कोई एडिशनल कंडीशन होगी। एग्जाम्पल पहले से नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल लगाते हैं, अपने क्लियर हो जाएगा हमें। हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग टू, पास किससे हो रही है बेटा? वन टू पॉइंट से, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। देखें सर, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। एक्स प्लस भाई एल वन अपने पास ये है ही बेटा, और परपेंडिकुलर लाइन जो एल टू होगी, परपेंडिकुलर जो L2 होगी वो क्या होगी बेटा? x माइनस y प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब पास किससे कर रहे हो बेटा? पास करना है वन टू, तो जब वन टू यहां रखा जाएगा तो वन माइनस टू प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू वन। सो L2 जो बनेगी वो बनेगी x माइनस y प्लस वन इक्वल टू जीरो। ध्यान दो बेटा, आया पकड़ में बेटा? यस सर। ध्यान से देख लो, नेक्स्ट लगाएं बेटा, एक एग्जांपल और लगाते हैं इसी पैटर्न पे, फिर आगे बढ़ेंगे। करें बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन। समझ आया? ये दोनों जो लाइन है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ इस तरह का होगा, फिर ये वाली लाइन जो ऊपर दी हुई है सपोज वो लाइन इस तरीके से है, तो इसके पैरेलल एक लाइन मुझे बनानी है जो इस पॉइंट से पास होके जा रही है, जिसे मैं एक्स वन वाई वन सोच लेता हूं। ये एल टू है और ये वाली लाइन गिवन है जो एल वन है, ठीक है बेटा? सोचो जरा, सबसे पहले
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री एंड टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। एक्स इक्वल टू क्या आया, वन, तो वाई भी वन हो गया। तो ये जो x1 y1 हम पॉइंट की बात कर रहे थे, जिसे मैं सपोज p पॉइंट मान लेता हूं, वो क्या बनेगा, वन वन। क्यों मेरे बेटा? यस सर। भाई हम लोगों को क्या करना है, xy निकालना है, xy निकाल लिया, xy के मेरे को वैल्यू मिल गई, वन वन आ गई, जो कि जनरल इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं 9th-10th लेवल पे। अब ये पॉइंट, इस लाइन देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल आपने ऐसे बना लेनी है L2। तो L2 क्या होगी, पैरेलल लाइन जो है वो L2, वो कैसे बनती थी, लैम्डा लगाते थे अपन लोग। तो बेटा ये होगा 3x माइनस y प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, यस नो? क्यों बेटा? यस सर। तो अपने को अब पास कर देना है, क्या पास कर रहे हैं, वन वन। जैसे ही वन वन पास करोगे लैम्बडा कितना जाएगा, माइनस टू, यस नो? यहां पर वन वन रखने से लैम्बडा की वैल्यू माइनस टू, लैम्बडा माइनस टू आ गया तो अपनी एल टू बन गई, वैल्यू रख दोगे। अब इसी में अगर वो यहां पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर बोलता, तो ये इक्वेशन परपेंडिकुलर के हिसाब से बदल कैसे जाती, x प्लस थ्री वाई प्लस लैम्डा, ऐसे बदलती ना बेटा? क्यों बेटा? यस सर। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों अपने दिमाग में रखना है, पैटर्न सीखना है हमें, रूल सीखने हैं। ओके आगे चलें, नोट कर लो बेटा इसको। हो गया? यस सर। चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट है एक्स वन वाई वन टाइप का, फ्रॉम अ लाइन, लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसकी फिगर थोड़ा सा बनाना चाहूं, तो मैं मान लेता हूं कि ऐसे एक लाइन है, जो ये इक्वेशन मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसकी इक्वेशन यहां है बेटा, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी। अब एक पॉइंट है ये अपने पास पी पॉइंट एक्स वन वाई वन, और इससे मैंने ये परपेंडिकुलर डाल लिया। इस परपेंडिकुलर पी की लेंथ, स्मॉल पी मान लीजिए चाहे तो, इसको पी को मुझे बताना है, समझ में आ रहा है? ये जो पी है बेटा, ये लेंथ मुझे बतानी है। आया समझ बेटा क्वेश्चन, फिगर समझ में आ रही है? यस सर। बेटा अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें आप रूल तरीके कई हो सकते हैं, मैं आसान पे सोचता हूं, आप इन्हें ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दो, और इसे मैं एक एम पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर है? आप ऐसा देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट या इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालना चाहूं ए और बी के, तो एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, यस नो? यस सर। तो जब मैं ये एक्स एक्सिस पे वाई जीरो रखूंगा तो ये बनेगा माइनस सी अपॉन ए, यस नो? यस सर। तो ये जो मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट बनाने वाले हैं यहां पर, ये होगा माइनस सी अपॉन ए कॉमा जीरो। ऐसे ही ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कॉमा माइनस सी अपॉन बी। क्या कहते हो?
होंगे बेटा। यस सर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस ट्रायंगल को अगर देखूं तो इसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, एरिया ट्रायंगल ए पी ई, वन अपॉन टू मॉडुलस। याद है आपको ये वाला फॉर्मूला एरिया का, वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, जब तीन पॉइंट दिए होते हैं बेटा। याद है कुछ? यस सर। तो मैं यही यहां अप्लाई करने जा रहा हूं। तो अब अपने को ए से शुरू कर देना है, तो एक्स वन हो गया जीरो, ये वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू हो गया एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर हो गया एक्स थ्री y1 वन माइनस वाई टू, ऐसा होगा क्या कुछ? क्यों बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। इसे थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, ये तो जीरो हो गया, सी एक्स वन अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी और प्लस सी वाई वन अपॉन ए। क्यों भी यहां पर ठीक है? यस सर। कोई समस्या? नो सर। क्या मैं एक तो सी पूरा बाहर ले सकता हूं, देख लो, एक तो सी बाहर ले लिया और एक बेटा ए बी एलसीएम बाहर ले लिया, अब क्या बचेगा? ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, ये बचा अपना। यस नो? यस सर। इसे आप इक्वेशन वन कह के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत? नो सर। आगे चलें? यस सर। अब क्या इसी को एरिया में निकालना चाह रहा हूं तो ये हाइट का काम करेगी, इस ट्रायंगल के लिए बेस होगा अगर? यस सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ट्रायंगल ए पी बी वन अपॉन टू, बेस होगा यहां पर ए बी और हाइट हो गई P। क्लियर है? हाँ बेटा, क्लियर है बात? यस सर। अब ये जो ये पार्ट था, ये था माइनस सी अपॉन और ये माइनस सी अपॉन बी, तो पाइथागोरस क्या कहती है, इन दोनों से निकालने से हाइपोटेन्यूस बनेगा। यस सर। तो वन अपॉन टू अंडर रूट के अंदर आएगा, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे हो गया ये पार्ट, और इनटू में कौन आया बेटा? पी, ये वाला पी है बेटा, ये दिख रहा है मुझे? यस सर। बेटा क्या मैं ऐसा कर लूं कि यहां से सी स्क्वायर जो ऊपर है इसे बाहर ले लूं तो सी बन के आ जाएगा? यस सर। तो वन अपॉन टू और ये सी आ गया, और यहां एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। यस सर। उसका ए बी भी बाहर आ जाएगा, क्या कहते हो? और रूट के अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन सब के साथ कौन है साथ में पीछे से? पी, ये वाला पी पीछे ऐसे छोड़ दिया मैंने, ठीक है बेटा? यस सर। अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन टू, ये भी अपना क्या है, एरिया ट्रायंगल ए पी बी। अब इस इक्वेशन वन और टू पे आप फोकस कीजिए, यानी कि इन दोनों को क्या रख सकता हूं, इक्वल, एक ही चीज है, एक ही चीज है बेटा। यस सर। तो अब बाय वन एंड टू
आप देखो ऐसे ध्यान दो, ये चीज हट जाएगी क्या दोनों? यस सर, हट जाएगा ना। क्या बचेगा? एक तो ये बचेगा इधर ऐसे, और उधर बचेगा ए एक्स वन बी वाई वन सी। ये बचा क्या? और अगर मैं ये p निकालने जाता हूं तो मुझे ये डिवाइड में लाना चाहिए। यस सर। तो p अपना क्या बना? ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर ले बेटा ये। आगे बेटा? यस सर। चलो एक और मेथड देखते हैं इसके, फिर एग्जांपल पे चलेंगे। एक मेथड और ले लेते हैं, इसे मेथड टू डाल दीजिए। अभी हमने एक फिगर बनाई, ये और ये एम पॉइंट लिया था, और हमने ये ऐसे एक्स वन वाई वन पॉइंट भी था मेरे पास। इसे अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो लाइन को, तो ये यहां पर कोई थीटा एंगल बनाएगा क्यों बेटा? यस सर। अब ये डिस्टेंस हमने पी मान ली थी ना, जो कि हमें निकालना भी यही है, यही तो निकालना है बेटा। यस सर। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख लूं तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? पोलर फॉर्म याद है अपने को? पोलर फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोला था हमने इसको। ये था x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, और ये डिस्टेंस क्या ले लिया हमने बीच में बेटा? पीएम। पीएम तो पी है मेरी। यस क्यों बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म ये आर माना करते थे हम आर, लेकिन यहां पर तो पी है, तो मैंने इसको पी लिख लिया। समझ रहे हो? क्लियर है यहां पर? ये आप यहां से, यहां से आप क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा और एक्स वन एड होगा ऐसे, और वाई इक्वल टू, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी मेरी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यस नो? यस सर। तो ये जो लाइन की इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी लाइन पर तो एम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। जो एम पॉइंट है वो कहां लाई करेगा? जो दी हुई लाइन है उस पर। एम पॉइंट विल लाई ऑन द गिवन लाइन, तो ये उसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे अब? सो अब ये पॉइंट पास कर रहा हूं मैं, ए ब्रैकेट एक्स वन प्लस पी कॉस थीटा प्लस पी वाई वन प्लस पी साइन थीटा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात मेरी बेटा? प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी वन नहीं सी। ये लाइन क्लियर? यस सर। अब क्या करोगे बेटा? अंदर इसको खोलोगे जब, तो क्या बनना चाहिए? ए एक्स वन प्लस ए पी कॉस थीटा पी वाई वन प्लस पी पी साइन थीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहां से, यहां से मैं इसे प्रॉपर वे में अगर लेके आना चाहूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ए पी कॉस थीटा प्लस बी पी साइन थीटा इक्वल टू, ये इधर आकर क्या होंगे बेटा? माइनस। ऐसे
ऐसा बनेगा क्या? यस सर। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। मुझे निकालना है पी, तो पी कॉमन ले लेते हैं। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल टू माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी। ऐसा बना क्या मेरे बच्चों? यस सर। अब आपको इस लाइन को यहीं छोड़ देना है, वन कहकर इसे वन कह देते हैं या टू कह दो, अगर वन हुआ है तो ये टू हो गया केस। आपको याद होगा कि अगर ये थीटा है तो यहां ये बेस होगा ए, ये परपेंडिकुलर और ये पाइथागोरस से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यों भाई? यस सर। अब इसमें अगर आप कोस थीटा लिखोगे तो क्या बनेगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे जाने वाला? देखो पी ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट, ऐसे ही बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट इक्वल टू सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे को? यस सर। बेटा इसे सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे नोट कर लो यहां तक ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इसे यहां तक नोट करो बेटा, क्योंकि मुझे तीन लाइनें और लिखने, तीन चार ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम बनाना है बस मुझे, इसे मैं हटाऊंगा, आप थोड़ा सा इसे नोट कर लें। ये एलसीएम बनाऊंगा मैं, आप नोट कर लें इसे जरा। तो इस स्टेप पे अब हमें ले लेना एलसीएम। तो एलसीएम के बाद पी बाहर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी। ऐसा कुछ बना एलसीएम के बाद? अपना देखो अगला स्टेप ऐसा बन जाएगा एलसीएम, ये ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएंगे। यस नो? यस सर। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे कैंसिल होगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके का बनेगा लेफ्ट पार्ट। यस सर। और इक्वल वाले से कोई लेना देना है नहीं, ऐसा रहा। यस सर। अब मुझे क्या निकालना है? पी। जब पी निकालना है तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ऐसा लिख लूंगा मैं। अब एक चीज और बताइएगा, पी क्या थी? देखो ऐसे फिगर से फिर से आते हैं, पी थी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं ऊपर से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी था मेरा, है ना बेटा? तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहां से निकाल रहे हो, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब सो पी क्या है? पी ऑलवेज पॉजिटिव। पी क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या करोगे, पी को क्या लिख दोगे? मॉडुलस में। ये अपने पास है, ठीक है बेटा, नोट कर लो। ओके बेटा, चले आगे। यस सर। चलो एग्जांपल, सॉरी इसमें एक पॉइंट और नोट कर ले। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओरिजिन, अब फिगर के हिसाब से अगर हम जाएं तो ये इस तरह कंडीशन हो गई ना, क्या बेटा? फिगर पे अगर जाते हैं तो इस तरह की फॉर्म हो गई। यस सर। अब हमने अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा पी इक्वल टू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं, ये था मेरे पास ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट
ऐसा था। यस सर, अब आप इसमें एक्स वन वाई वन को कैसा पाते हैं देखते हैं, जीरो जीरो जीरो, तो क्या बनेगा अपना, ये सी तो बचा बेटा भाई, ये दोनों तो जीरो जीरो हो गए ओरिजिन से पास होते ही, क्यों बेटा? यस सर, जब इसे मैं ओरिजिन रख दूंगा, जीरो जीरो रख दूंगा, ये तो खत्म, बस केवल सी पार्ट बचेगा मेरा, डन। सही है बेटा? यस सर। अब हमें क्या करना है, ये अपने पास आ गया, अब एक एग्जांपल इसमें लगाते हैं, ठीक है? लिखो, इफ पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन फ्रॉम ओरिजिन, देन प्रूव दैट ये दिख गया बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, प्रूव दैट ही लिख देता हूं मैं, ये प्रूव करना है, करो जरा ध्यान से। आगे बेटा, यस सर, चलो देखते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दी और ये एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू वन मेरे पास इक्वेशन है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग ये पता है कि भाई सी अपॉन अंडर रूट, मैं इसे कैपिटल इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ी देर के, इस तरह से लेना है मुझे। अब पी तो पी है अपना, लेकिन सी की जगह कौन आने वाला है, वन माइनस वन भाई, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा इस टाइप में ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में, तो ये इधर आकर के माइनस वन, यस नो बेटा? अब ये क्या आएगा यहां पर, ए की जगह आने वाला है वन अपॉन ए और बी की जगह वन अपॉन बी, इसके बाद स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, जैसे स्क्वायर करोगे आपको पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन इस तरह की फॉर्म मिलनी चाहिए, यस नो? ये वाली लाइन आ गई समझ में बेटा, स्क्वायर करके रूट हट गया बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्या कर लो, रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ये अपने पास है, यही अपना आंसर, मतलब आंसर कह दो या प्रूफ कह दो, ठीक है बेटा? यस सर, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द सम ऑफ द एब्सिसास, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो बेटा? एब्सिसास का मतलब एक्स की वैल्यू जो आएंगी ना उनका सम पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर,
दैट लाई एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन from the line four x plus three y minus 10 equal to 0. क्वेश्चन समझ में आया? सम करना है, जितने भी एक्स की वैल्यूज आएंगी उन सब का, जो पॉइंट कहां लाई करते हैं, मतलब किस पे एग्जिस्ट है बेटा, इस पर लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या इस लाइन के वो पॉइंट हैं, और इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस है उनकी, कितने डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ट्राई करें फिर लगाते हैं इसको, पहले आप ट्राई कर लें। सर एक ही पॉइंट आ रहा है, इसमें सम कैसे होगा? माइनस, हाँ एक मिनट, इस पे हमने पॉइंट एक्स वन वाई वन ले लिया, मान लिया ऐसे? यस सर। तो जब मैं ये एक्स वन यहां रखूंगा तो एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू फोर, तो वाई वन कितना बना, फोर माइनस एक्स वन। इससे ये पता चला कि जो P पॉइंट है वो तो कन्वर्ट हो करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक्स वाई की तरह ट्रीट कर लो दोनों। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बोल दी, वन, क्यों भाई? यस सर। भाई यूनिट का मतलब वन, यूनिट का मतलब वन होता है। अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रख लेंगे वन इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉडुलस मतलब अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट ए बी का क्या होगा, देखो फोर और थ्री है तो फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर नीचे चला जाएगा, यहां होगा फोर एक्स वन प्लस थ्री वाई वन और माइनस टेन। क्या ये लाइन मुझे समझ आ गई बेटा यहाँ पर? यस सर। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल बना लेता हूं और ये पांच लिख लेता हूं और उस पांच को भेज देते हैं इस तरफ, तो फाइव इक्वल टू फोर एक्स वन प्लस ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स वन माइनस टेन, ऐसा होगा क्या अब? यस सर। और छोटा कर लेते हैं, ये इन दोनों से एक्स वन मिल जाएगा और ये टू, ऐसा बना क्या? हाँ बेटा। यस सर। अब इससे एक बात समझ आई कि एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार आप मॉडुलस, है ना, देखो इसे प्लस माइनस फाइव कह दो आप, अब ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बना, ऐसा हुआ क्या, सोचो। हाँ जी बेटा। यस सर। अब आपको क्या करना है, सम लेना था, क्यों सम लेना था एक्स का, तो सम क्या होगा, थ्री प्लस माइनस सेवन, ये आ गया सम आपका, माइनस फोर। क्लियर है बेटा? यस सर। नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। इफ पी वन एंड पी टू आर द
लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the straight lines x cos theta plus y cos x theta equal to a, ये sec कर लेंगे हम, x sec theta है बेटा, equal to a and x cos theta minus y sin theta equal to a cos theta cos 2 theta, then the value of फोर पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर इज, ऑप्शन है हमने हमारे पास, पी स्क्वायर ए स्क्वायर, पी नहीं बेटा ये पी, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर सी अपने पास है, फोर ए स्क्वायर और डी है माइनस फोर ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझ के करना बेटा, कैलकुलेशन में मत फंस जाना, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यस सर। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दोनों जो लाइन है उनपे ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाएगी, तो मैं पहले पी वन की बात कर लेता हूं। तो इस लाइन पे जब ओरिजिन से निकालोगे आप, तो कैसे लिखोगे, पी वन इक्वल टू मोड ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हिसाब से तो ये आया, ऐसा हुआ बेटा, यस सर। अब इसे साइन कोस में तोड़ के एलसीएम भी ले लेता हूं, तो जब इसे लिखूंगा वन अपॉन कोस स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर एलसीएम लूंगा, एलसीएम के बाद की कहानी क्या बन के आने वाली है, ऐसा बनेगा, अब ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएंगे, वन, यस सर, टू से इनटू और डिवाइड करा देंगे, हाँ, फिर अपने पास आएगा ये, अब आपको ना टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देनी है, उसके बाद ये बनेगा ए बाई टू साइन टू थीटा। अब आ जाइएगा पी टू पर, पी टू में ये वाला पार्ट आने वाला है, तो माइनस ए कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट सीधा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का केस, ये नीचे वन हो गया, ये ऐसा बनेगा, यस सर। अब आप जिसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं ये, इसे ले लो, ठीक है, तो जब इसे लिखोगे क्या लिखोगे, फोर पी वन स्क्वायर इक्वल टू प्लस पी टू स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम ए स्क्वायर अपॉन फोर साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, ये फोर हट गया अपना, यस सर, अपना ए स्क्वायर कॉमन, यस सर, अंदर आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का केस, वो भी वन हो गया,
तो बी ऑप्शन अपना आंसर आया। क्लियर है? ओके बेटा, आगे चलें। यस सर। चलो एक और लगाते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पे बढ़ेंगे हम। Prove that no line can be drawn through the point so that its distance from -2,3 will be equal to 12। आपको बताना है कि ऐसी कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं हो सकती इस पॉइंट से जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी हो, 12। कितनी हो बेटा डिस्टेंस? 12 हो। ठीक है, थोड़ा सोचो फिगर के हिसाब से बना के थोड़ा देखो, फिर हम बताते हैं, फिर करते हैं इसको। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नोट कर लो। हाँ नोट कर लो बेटा, एक बार आया बेटा। पॉइंट कितना है बेटा? 4-5। तो हम लेट करते हैं कि भाई लेट स्लोप कितना है बेटा, एम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, कहां से पास होने वाली बेटा? फोर माइनस फाइव से क्या होगी बेटा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो बेटा इसे मैं अगर एक प्रॉपर वे में लिखना चाहूं तो एम एक्स माइनस वाई माइनस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस सर। अब आपके पास ये तो की पॉइंट है और ये वाली लाइन आप ऐसे मान ले, ये लाइन हो गई, ये डिस्टेंस 12 बोल दी और ये पी पॉइंट आपका है -2,3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए d इक्वल टू ए एक्स वन डी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट, ये हम लगाते थे, याद है मुझे बेटा? यस सर। तो बेटा डिस्टेंस लगा लो, डिस्टेंस हो गई 12, है ना? और ये a का काम करने वाला है, b यहां से -1 हो जाएगा और ये पूरा ना c का काम करेगा, तो अपने को पॉइंट रख देना -2,3। तो -2m, फिर अपने पास -3, -4m, -5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो एम स्क्वायर प्लस वन। क्या बेटा? एम स्क्वायर प्लस वन। ये लाइन समझ आई मेरे बच्चों? हाँ बेटा। यस सर। ये कितना बनेगा, -6m -8, माइनस छोड़ दो, तो 6m प्लस 8 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन, ऐसा रहेगा?
क्यों बेटा ऐसा रहेगा? यस सर। बेटा क्या मैं ऐसा कर लूं कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लूं ताकि प्लस माइनस का टेंशन खत्म हो जाए? तो इसका स्क्वायर 144, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा ली मैंने, 1 प्लस एम स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस 1, उधर अपना 2 कॉमन भी लिया और अंदर आया 3m प्लस 4 और इसका भी स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 144 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 4, 9m स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 24m, ऐसा बनना चाहिए। क्यों बेटा मैंने स्क्वायर खोल दिया? ठीक है बेटा। यस सर। क्या इससे ये 36 आ जाएगा? यस सर। अब बेटा इसको अंदर ले जाएंगे और एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो नोट कर लो यहां तक, आगे मैं क्वाड्रेटिक बना के आगे बता रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। हो गया बेटा? यस। चलो इससे आगे, इससे आगे जब आप जाओगे तो क्या बनेगा वो मैं लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक सिंपलीफाई करने के बाद 27m² माइनस 24m प्लस 20 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचूं दोबारा, तो उसने कहा ऐसी कोई लाइन होगी ही नहीं, ये प्रूव करना, ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जिसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं m के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, ये जो m मेरे क्वाड्रेटिक बन के आ रहा है, ये m ही एग्जिस्ट ना करे, रियल ना हो, तो उसके लिए आपको याद है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालते थे। यस सर। अब अगर मैं कह दूं कि m ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि रियल नहीं आ रहा है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो 24m स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 27 इंटू 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आनी चाहिए बेटा? माइनस 15484। हाँ, इसका मतलब हो गया कि भैया तो रियली नहीं एग्जिस्ट कर रहा। देख लो भाई, डिस्क्रिमिनेंट अगर आ गया इस तरीके का, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया, क्लियर है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों जी? सो नो सच लाइन एग्जिस्ट। बस ठीक है बेटा। हो गया बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। भाई दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है जी, समझ रहे हो बेटा? यस सर। अगर मैं एक जनरल फिगर बनाना चाहूं, अगर मैं एक जनरल फिगर बनाना चाहूं तो वो लाइनें कहीं भी होंगी तो ऐसे होंगी क्योंकि पैरेलल है।
सपोज ये वाली लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू और ये वाली है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन। ये पता कैसे चलेगा? आपको याद होगा जब पैरेलल लाइन वाली मैंने लैम्ब्डा वाली सिचुएशन पढ़ी थी, याद आ रहा है? वहां मैंने कहा था कि एक्स वाई सेम रहते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, सी की जगह लैम्ब्डा आता है, बस सी बदलता है। क्यों? Yes, sir. तो यहां भी मैंने सी देखो अलग अलग लिखे हैं लेकिन एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम। डन? Yes, sir. तो आप क्या कर रहे हो, आप ओरिजिन से एक डिस्टेंस निकालोगे ये वाली जिससे मैं कहूंगा डी वन, और एक निकालोगे ये जो डी टू होगी, और ये क्या होगी डी टू माइनस डी वन। क्या कहते हो? Yes, sir. तो बेटा डी वन क्या आएगा, डी वन आएगा ओरिजिन से निकाल रहे हो ना, तो सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी टू क्या निकालोगे, सी टू होगा ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको चाहिए दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा डी कह दो या डी कह दो, तो वो होगा बाद वाली डिस्टेंस माइनस पहले वाली और मॉडुलस लगा लोगे। बाद वाली मतलब सी वन वाली सी टू वाली, और पहली डिस्टेंस जो डी वन है भाई डी टू माइनस डी वन कर रहे हो तो सी टू माइनस सी वन होगा। क्यों जी? यस सर। बना लो, इसे लिख लो, फिर एक मेथड और लिखवाता हूँ, दो तरीके से कर सकते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन दोनों आसान वाले मैं पढ़ा दूंगा बता दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम एग्जांपल्स पे। बेटा अगर ये ऑपोजिट साइड हो तो, अगर मान लो ये किधर होती तो डी वन प्लस ये जो ना सी वन प्लस सी टू वाला हो जाता केस, ये एड हो जाते, उस समय क्या होता सी वन प्लस सी टू। अगर ऑपोजिट साइड होंगे समझ में आ रहा है, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड होंगे तो ऐड कर लेंगे, सेम साइड होंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है? यस सर। चलो दूसरे मेथड पे चलते हैं, करूं आगे? यस सर। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ये L1 और ये L2, और एक पॉइंट ले लो P, X1, Y1, एक पॉइंट P ले लो X1, Y1, ले लिया बेटा, दोनों से अलग अलग डिस्टेंस। ठीक है? तो L1 पर, L1 पर जब मैं जाऊंगा, L1 होगी मेरे पास क्या, AX, BY, C1 ऐसे इक्वल टू जीरो, तो ये पास होगी जब L1 और इससे X1, Y1 से, तो उसके हिसाब से आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इसकी डिस्टेंस बेटा? वही से ये एक, ये फिर वही आ जाएगा, नहीं तो दूसरा मैं दूसरा लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मैं ये कर लेता हूं, मैं P पॉइंट यहां मान लेता हूं, X1 Y1 मान लो L1 पर, X1 Y1 पॉइंट L1 पर मान लो, और उससे परपेंडिकुलर डालूंगा मैं इस पे। जैसे अभी याद है आपको एक हमने क्वेश्चन लगाया था X प्लस Y इक्वल टू फोर वाला, उसमें हमने पॉइंट X1 और फोर माइनस X1 ले लिया था। yes, याद है? तो वही कंसेप्ट मानो आप एक तरह से। ठीक है? तो क्या होगा, अब ये X1 Y1 इसमें पास हो जाएगा, तो होगा ए एक्स वन ऐसे, अब चूंकि पैरेलल लाइन है तो ये तो सेम रहेगा एल टू का, क्यों भाई, ये सी टू रहेगा, बस ऐसा ही तो हुआ, सोचो। यस सर। अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डेल्टा डी, इसे मैं डेल्टा डी ले रहा हूं, तो ये था ए एक्स वन
तो ए वन एक्स वन बी वन वाई वन प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर ऐसी रखूंगा, याद है मेरे को? क्यों बेटा भाई, अंडर ये वाला फॉर्मूला है ना अपना, ये फॉर्मूला है ना बेटा डिस्टेंस का, क्यों? यस सर। अब बेटा इसकी वैल्यू सोचना, ये वाली वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये माइनस का सी वन नहीं हो जाएगा? माइनस सी वन प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर और बी वन स्क्वायर। अब इसी चीज को बस यहां पर चेंज करके लिख लो, क्यों कैसे लिख सकते हो? C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट, अब दोनों लाइन पैरेलल है तो ये A1 A2 B1 B2 सब सेम ही होंगे। पैरेलल लाइन में क्या होते हैं बेटा, ये इक्वल होते हैं, सेम होते हैं ना। चलो दो एक एग्जांपल लगाते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया? यस सर। एग्जांपल लगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन तो डिस्टेंस के लिए मैं सीधा यूज ना कर लू सी टू माइनस सी वन का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हिसाब से मुझे ऐसा लिख देना चाहिए और सी टू माइनस सी वन माइनस टू माइनस थ्री फाइव अपॉन थर्टीन। हाँ बेटा, यस आगे चले। यस सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व वाई प्लस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो एंड फोर यूनिट अवे फ्रॉम दिस लाइन। एक ऐसी आपको लाइन की इक्वेशन एक तरह से पूछी गई है, पैरेलल है जो इसके, जो इस लाइन से ना चार यूनिट दूर हो, ठीक है? नोट कर लो, ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 5x माइनस 12y प्लस 78 इक्वल्स टू जीरो। क्या यूज किया कंसेप्ट? सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया ना, सी टू माइनस सी वन करेंगे, सी वन की वैल्यू गिवन है, सी टू आ जाएगा। हाँ, ये जो अपने को डी दे रहा है ना वो फोर दे रहा है। इस लाइन को आप ऐसे मानेंगे, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स वाई सेम, एक्स वाई सेम, लैम्डा डिफरेंट। यस सर।
बस उसी को पकड़ लिया मैंने और लगा दिया, देखो E इक्वल टू सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट, तो डी हो गया अपने पास 4, ये हो गया लैम्बडा माइनस 26 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपना 13 का स्क्वायर है वो, ये इधर आकर के ऐड, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, सही है बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चले। यस सर। अगला कंसेप्ट है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ठीक है, और पैरेललोग्राम जो है वो कुछ इस तरह की फिगर होती है बेटा, याद होगा अपने को, इसमें कितनी साइड है बेटा? तो अपने पास दो पैरेलल पेयर होंगे, ये दोनों पैरेलल पेयर होंगे अलग, ये दोनों पैरेलल पेयर होंगे अलग, क्लियर है? यस सर। तो जो पैरेलल पेयर है उसमें ले लेते हैं ए एक्स वन वाला ऐसे, फिर दूसरा पैरेलल इसी के जो पैरेलल होगी ये पैरेलल वाली हो गई दोनों, ठीक है, आपस में कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन या ए डी बी सी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरे का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं टू से, और यहां पर एक डी वन मान लिया मैंने, ठीक है बेटा, और एक को ले लेते हैं डी टू, क्लियर है मेरे को? आगे दो पेयर कॉम्बिनेशंस, दो पैरेलल के पेयर, हाँ बेटा, यस सर। अब इसका एरिया उसका फॉर्मूला सी वन माइनस डी वन और फिर सी टू माइनस डी टू अपॉन ए वन बी वन और ए टू बी टू, ये डिटरमिनेंट याद होगी आपको, डिटरमिनेंट एबीसीडी टाइप की जो चीज होती है ऐसे, इसका एक्सपेंशन तो पता है ना ए डी माइनस बी सी, यस सर। ठीक है बेटा, तो इसकी जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर लेंगे। नोट कर लें, इसका एक दूसरा मेथड भी है बेटा, वो क्या है वो भी समझ लें। एक परपेंडिकुलर पी वन, दूसरा अपने पास है पी टू, और कोई एंगल एक दे दिया आपको थीटा, तो इस केस में जो एरिया होगा वो होगा पी वन पी टू अपॉन साइन थीटा, क्या होगा बेटा? पी वन पी टू अपॉन साइन थीटा, नोट
नोट करते रहें, दो तीन कंडीशन है सारी नोट करेंगे हम, फिर एग्जांपल लगाएंगे एक दो। हो गया बेटा? यस सर। इसी में सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास ये जो पैरेलल लाइन के कॉम्बिनेशन है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस डी वन, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस डी टू, अगर इस तरह के हो, डी टू या डी हो, ठीक है बेटा, अगर इस तरह के हैं तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई यहां पर कि भाई अपने पास स्लोप, देख रहे हो स्लोप, स्लोप दो कॉम्बिनेशन में इक्वल है, एक एम है और एक एम वन है, क्यों बेटा? यस सर। ठीक है, तो इस केस में एरिया क्या होगा? इस केस में होगा ये दोनों एक साथ, देख रहे हो आप सी वन सी टू, क्यों बेटा? सी वन सी टू, और दूसरा होगा डी वन डी टू, इस तरह से, और यहां पर आपको डिफरेंस लेना है स्लोप्स का, किसका डिफरेंस लेना है बेटा? स्लोप का डिफरेंस, क्या लेना है यहां पर? स्लोप का डिफरेंस, नोट कर ले इसको, ये अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है उस टाइप से है ये, हो गया बेटा? यस सर। अब अगर इसमें रोम्बस बोल दिया जाए तो एक तो डायगोनल वाला आपको पता होगा, डी वन डी टू परपेंडिकुलर डायगोनल होते हैं इनके, क्या बेटा याद है मुझे? हो गया बेटा? यस सर। आगे चलें? यस सर। चलो बहुत ही अच्छा वाला एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम formed by the lines x plus 3y minus a equal to 0 comma 3x minus 2y plus 3a equal to 0, फिर है अपने पास x प्लस थ्री वाई माइनस प्लस फोर ए इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सेवन ए इक्वल टू जीरो, एरिया बताना है बेटा। चलो ध्यान से सोच के करना, कोई सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन सोच के करना ध्यान से। देखें पर सर, हाँ जी सर, ये जो लाइन दी है ना 3x माइनस 2y, ऊपर वाला माइनस 2y है, नीचे वाला प्लस 2y, ये दोनों सेम होते हैं ना? हाँ हाँ सेम, प्लस 2y, हाँ ये सेम होते हैं। चलेगा, तो अपने को एरिया निकालना था,
तो ये दोनों का डिफरेंस ले लेते थे हम, सी टू माइनस सी वन या जो भी आप कहना चाहें इसको, ये ऐसे बन जाएगा। सेकंड में इनका डिफरेंस होगा सेवन ए माइनस थ्री ए, और नीचे एक डिटरमिनेंट बनानी थी मेरे को वन थ्री और थ्री टू से। क्या ये सही है? ये बेटा दोनों में माइनस ये वाला है, ऐसे हुए। ठीक है बेटा, वो माइनस ही है बेटा दोनों में। तो अब इसको जब मैं करूंगा सॉल्व, तो ये फाइव ए और ये फोर ए, ओके। और नीचे क्या आएगा देखो, नाइन प्लस टू, ये अपने पास स्क्वायर यूनिट में एरिया आ गया। ठीक है बेटा। सर C1 माइनस D1 करना था या C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं? हाँ, वो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस लगाएंगे तो वो सेम ही आएंगे। सर नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि थ्री ए माइनस ए कर लिया तब सी वन डी वन आ जाएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस, इधर इन दोनों का डिफरेंस, फॉर्मूले में सी वन माइनस डी वन था ना, सो सी वन माइनस डी वन से अलग आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा ये तो यही गड़बड़ हो गई है पे। ये जो सीसी वाले हैं ना, वो एक साथ लेने थे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक साथ होगा और ये डी वाला एक साथ। ठीक है बेटा, सीसी वाले एक साथ, डी डी वाले एक साथ, ये गड़बड़ ले लिया इसका, इसे सही कर लो बेटा, ये गड़बड़ ले लिया हमने, ये कॉम्बिनेशन एक साथ लेने थे। हो गया आप सही? यस। आगे चलें, एक और लगाते हैं, बस एरिया रोम्बस को लेकर के है अभी। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस फॉर्मड बाय द लाइन्स कुछ समझ में आया क्या? क्या करना है इसको आपको? यहाँ प्लस माइनस दो बार दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा? यस सर। बस उन प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको, ओके। सही है? हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है? नोट कर लिया क्वेश्चन? चलो ध्यान से लगाना बेटा। आया बेटा? चलो इससे इक्वेशन तो लिख लें,
एक इक्वेशन ये हो गई क्यों बेटा, और इसी के पैरेलल ये हो गई एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ बेटा, बोलो बेटा। अब बेटा इसके लिए एरिया का कैसे यूज करोगे? एरिया रोम्बस आप ना आप पैरेललोग्राम वाला ही लगा दो। कौन सा वाला लगा दो बेटा फॉर्मूला? तो ये कॉम्बिनेशन आएगा c माइनस सी यानी के प्लस हो जाएगा, दूसरे वाले में भी प्लस हो जाएगा अपॉन डिटरमिनेंट कैसे आएगी, ए बी वाली ऊपर कंडीशन और a माइनस बी वाली नीचे। ऐसा आएगा क्या सोचो? यस सर। क्लियर है यहां पर? ऊपर क्या हुआ 2c, नीचे ए बी प्लस ए बी 4c स्क्वायर अपॉन। ऐसा आएगा क्या सर? रूट नहीं लगेगा ना? क्या हुआ बेटा? सर ये रूट नहीं लगेगा। सॉरी मॉडुलस, मॉडुलस माइनस टू ए बी आ रहा है। हाँ तो मॉडुलस की वजह से वो प्लस हो जाएगा ना। चलिए एरिया नेगेटिव नहीं होता ना बेटा। यस सर। तो ऐसे लिख लूंगा क्या मैं? यस। ये स्क्वायर यूनिट करके आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा? यस। चलो कुछ समझ में आया?